दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नामीबिया के खिलाफ खेले गए आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने एक धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट को एक अच्छे नोट पे खत्म किया। दोस्तों वैसे तो मैच में लगभग सभी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया जिसे देखने के बाद तो टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला उन्होंने जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों धोनी ने आखिर रोहित को लेकर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना आखिरी मुकाबला खेलने नामीबिया के खिलाफ उतरी। वैसे दोस्तों इस मुकाबले का टूर्नामेंट के लिहाज से कोई महत्व नहीं था, पर यह मैच विराट कोहली बतौर कप्तान और रवि शास्त्री बतौर कोच उनके लिए आखिरी मुकाबला होने जा रहा था। और दोस्तों भारतीय टीम के इस दिग्गज कप्तान और कोच की जोड़ी के लिए जरूरी था कि इस मैच में वो जीत के साथ भारतीय टीम की कमान किसी और के हाथों में सौंप कर जाएं। ऐसे में ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए इमोशनल मोमेंट बन गया क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में एक नया कप्तान और एक नया कोच मिलने जा रहा है और आखिरी बार हम विराट कोहली को कप्तानी करते हुए देख चुके हैं। दोस्तों अपने आखिरी मैच में कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नामीबिया जैसी कम अनुभवी टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों का सामना करना कभी भी आसान नहीं रहने वाला था। ऐसे में दोस्तों पहले 6 ओवर में ही बुमराह और ने दो बड़े विकेट निकालकर विरोधी टीम पर दबाव बढ़ा दिया जिसके बाद बाकी गेंदबाजों ने मैच में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। दोस्तों मैच में जडेजा अश्विन की फिरकी ने नामीबिया को नेस्त नाबूद कर दिया और दोनों ने मिलकर अपनी फिरकी के जाल में नामीबिया के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि उनकी पारी कभी उबर ही नहीं पाई। जहां जडेजा ने 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 विकेट झटके, वहीं अश्विन ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दोस्तों टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिख रहे जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट अपने नाम की और नामीबिया को 20 ओवर में 132 रन पर रोक लिया। दोस्तों उनकी तरफ से अनुभवी डेविड वीजा ने सर्वाधिक 26 रनों की पारी खेली जबकि अंत में ट्रम्पलिन ने 6 गेंदों में 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बनाए। दोस्तों 134 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने मैदान पर आते ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया और बड़े बड़े शॉट लगाकर भारतीय प्रशंसकों का दिल जीत लिया। दोस्तों रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही आक्रामक रुख अपनाया और तूफानी बल्लेबाजी कर डाली। अपनी पारी के दौरान दोस्तों छक्के और चौकों की झड़ी लगाते हुए रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में ही अपना अर्धशतक बना डाला और दोस्तों रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। हालांकि इसके बाद 56 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए और उन्होंने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। दोस्तों रोहित के आज इस दमदार प्रदर्शन को देखकर महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए और उन्होंने रोहित पर बड़ा बयान देते हुए साफ कह दिया कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मौजूदा वक्त में रोहित से बड़ा बल्लेबाज कोई दूसरा नहीं है और विराट कोहली के बाद रोहित इस फॉर्मेट में भारत को आगे ले जाने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने IPL में भी मुंबई की फ्रेंचाइजी को 5 बार खिताब दिलवाया है और भारत के नए कप्तान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोहित ही भारत के नए कप्तान बनने चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।